Hello everyone, welcome to Edu4 IES online lecture series. In this lecture, we will be discussing chapter 5th of class 8 NCERT geography book, Industries. Now, as far as industries are concerned, they fall under the secondary activities. So, secondary activities are basically it manufacturing hoti hai. This is one of the most important activity, and as such also जो लार्जेस्ट शेयर है ऑफ द जीडीपी उसमें इट इज अमंग्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर. नाउ एज फार एज सेकेंडरी एक्टिविटी इज कंसर्न, इसमें क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल इज चेंज्ड इनटू सम टाइप ऑफ गुड व्हिच इज डिमांडेड बाय पीपल. सो वी चेंज द फॉर्म ऑफ द गुड फ्रॉम वन टू अनदर व्हिच चेंजेस इट्स यूटिलिटी ऑल्सो एंड हेंस enhances its value. So, ये जो चीजें हैं ये सारे के सारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आती हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, और यू कैन से इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री में क्या हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड हुआ है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दोज पर्टिकुलर गुड्स, एंड देन प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज. तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम इंडस्ट्रीज में लेते हैं. सो प्रोडक्शन ऑफ गुड में से आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस हुआ. आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करने के लिए हमने कोल माइन किया, हमने आयरन ओर माइन किया, तो वो हमारा माइनिंग में आ गया. एंड उसके बाद इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, जिसका वन ऑफ द फाइन एग्जांपल जो है दैट इज टूरिज्म. क्योंकि अब जो हमने ये गुड्स बनाए हैं या जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, सो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ट अप हुआ है, इससे जो प्लेस है उसका लिफ्ट अप हुआ है, इकोनॉमिकली फिजिकल कल्चरल लिफ्ट अप, एंड विच कैन प्रमोट अल्टीमेटली टूरिज्म. नाउ एज फार एज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड, हम इंडस्ट्रीज को कई डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेस पे कैटेगराइज करते हैं. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ थ्री क्राइटेरिया. एक है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल्स, दैट इज वॉट टाइप ऑफ रॉ मटीरियल इज यूज. दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज यू नो नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. एंड द थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हु ओन्स दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सो ये थ्री डिफरेंट क्राइटेरिया. सबसे पहले जो क्राइटेरिया है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज बेस्ड अपॉन द रॉ मटीरियल. अब इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटीरियल है वो फोर डिफरेंट सोर्सेज से आ सकता है. इसके बेसिस पे वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एज द नेम इज सजेस्टिंग, द रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. सो इट इज द एग्रेरियन प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोई भी क्रॉप विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री. सो इसमें आता है फूड प्रोसेसिंग, देन वी हैव कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्री और कारपेट मेकिंग, लेदर इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे जो हैं दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. सेकेंड आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. एज द नेम इज सजेस्टिंग, नाउ मिनरल्स आर द बेस. सो इस केस में हमारे पास आएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वी हैव इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, हैवी मशीनरीज, बिल्डिंग मटीरियल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, वो सब मिनरल बेस्ड है. थर्ड आता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज. मरीन बेस्ड मीन्स द रॉ मटेरियल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओशियंस. सो इस केस में जो फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अब चाहे वो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, जैसे फिश ऑयल होता है, ऑयस्टर ऑयल होता है, या फिर वो फूड पैकिंग कर रहा है, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, सन ड्राइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश जो हैं या मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है. एंड द फोर्थ वन इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. द रॉ मटेरियल इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. इसका वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज पेपर इंडस्ट्री. क्योंकि पेपर जो है, वेरी फाइन क्वालिटी पेपर इज मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड. सो जो ये कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, इनकी जो वुड होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जिससे पल्प हम डिराइव करते हैं, एंड दैट पल्प इज यूज टू मेक paper. So we have this pulp and paper industry, or we have medicines derived from the products coming from forest. So wo hai pharmaceutical industry, then we have furniture building industry. So ye sare jo hain, these are the examples of forest based industries.
सेकेंड जो क्राइटेरिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज. अब साइज में हम क्या क्या देख रहे हैं, दैट व्हाट आर द एग्रीकल्चरल इनपुट्स बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इनपुट्स पुट अप इन दैट इंडस्ट्री दैट इज गोइंग टू डिसाइड इट्स साइज. अब इनपुट्स कौन से हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, एक इनपुट आ गया कैपिटल, दूसरा इनपुट आया लेबर दैट इज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एंड थर्ड आता है द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड अपॉन कि कितना आप कैपिटल और कितना लेबर उसमें एंगेज्ड है, उसके बेसिस पे जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो भी वेरिएबल होगा. सो ये थ्री थिंग्स हैं जो कि बेसिकली आती हैं, जो कि डिटरमिन करेगा अल्टीमेटली दैट व्हाट इज द साइज ऑफ द इंडस्ट्री. बेस्ड अपॉन दिस वी क्लासिफाई इंडस्ट्रीज इंटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेकेंड इज लार्ज स्केल. नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्मॉल स्केल में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेबर एम्प्लॉयबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम होगी, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो लेस, एंड इट इज ऑपोजिट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमारे पास आती है सिल्क वीविंग, वी हैव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही हमारे पास आती है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री. कॉटेज और हाउस होल्ड मतलब एक पर्सन हु इज रनिंग दिस कॉटेज इंडस्ट्री अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने ही घर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट चला रहा है, एक छोटी सी इंडस्ट्री काम कर रही है. तो ये वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं विच आर मेड अप विद मैनुअल लेबर, तो इसके लिए उनको कोई ज्यादा मशीन्स नहीं चाहिए, उनको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, जैसे बास्केट वीविंग या पॉटरी या मैच स्टिक मेकिंग. तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये कॉटेज इंडस्ट्रीज का पार्ट है. दूसरी है हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रियली वेरी हाई क्योंकि बहुत हाईटेक मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं, देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच इज वर्किंग, तो एम्प्लॉयज का नंबर बहुत ज्यादा लार्ज होता है, एंड बल्क में प्रोडक्शन होता है, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस जो है वो आता है. तो इसमें है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. सो नॉट ओनली देर इज हैवी क्वान्टिटी ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स इन्वॉल्व, बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. द थर्ड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हु इज द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज फर्दर चार टाइप की होती हैं. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, एज द नेम इज सजेस्टिंग, ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल ओन कर रहा है, तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आइदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. सो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और वेदांता ग्रुप है और यू हैव दिस विप्रो, इंफोसिस, ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं. देन वी हैव पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज द ओनर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें आ गया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, देन वी हैव स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये हैं हमारे पब्लिक सेक्टर. देन आता है जॉइंट सेक्टर. अब जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ स्टेट दैट इज गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. एक तरफ तो स्टेक पब्लिक का भी है मतलब गवर्नमेंट का भी है, और दूसरा जो स्टेक है वो प्राइवेट का है, तो ये जॉइंट होता है पब्लिक प्राइवेट कंबाइंड टुगेदर. तो इस केस में वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल इन इंडिया इज मारुति उद्योग लिमिटेड. एंड फाइनली वी हैव द कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज. सो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये बेसिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होती हैं प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ. तो ये कोऑपरेटिव ग्रुप है जो सप्लायर्स हैं उन्होंने ही एक अपना सबने मिलके कोऑपरेशन बेसिस पे एक इंडस्ट्रियल स्टार्टअप की है, जैसे अमूल और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिनका अमूल प्रोडक्ट है, और सुधा डेयरी, दिस इज यू नो बिहार की बहुत फेमस डेयरी है, तो ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का पार्ट है. देन द नेक्स्ट थिंग इज इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप होती हैं. देयर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर एसेंशियल फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के लिए लोकेशन जो है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट लोकेशन इज फर्दर बेस्ड अपॉन न्यूमरस अदर फैक्टर्स. अब इनमें से फैक्टर्स क्या आते हैं, सबसे पहले
रॉ मटेरियल, वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे बल्की रॉ मटेरियल यूज होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो काफी ज्यादा हेवी है और काफी लार्ज क्वांटिटी में है, उस केस में प्रेफर किया जाता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास ही ग्रो की सेटअप की जाए, सो दैट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर लें। अनदर थिंग इज लेबर। नाउ एज फार एज लेबर रिक्वायरमेंट इज कंसर्न, इंडस्ट्रीज में लेबर चाहिए होता है या तो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड। वो एरियाज जहाँ पे देर इज अ लार्ज सप्लाई ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, वो आइडियल लोकेशंस होती हैं फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड थिंग, कैपिटल, बिकॉज इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री को सेटअप करना, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और जो मार्केट में इसको पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इन सारी चीज़ों में हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होती हैं। एंड देन वी हैव द मार्केट, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका कंजम्पशन करने के लिए वेयर इज द मार्केट। अब वो मार्केट या तो लोकल मार्केट है या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट है। इस केस में भी इंडस्ट्रीज जो हैं वो उन एरियाज के नजदीक ज्यादा सेटअप की जाती हैं जहां पे ह्यूज डिमांड है, जहां पे काफी बड़ी मार्केट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, या फिर वो प्लेस जो है वहां से मार्केट का इजी एक्सेस है। इजी एक्सेस मतलब जैसे पोर्ट्स हो गए, तो पोर्ट से आप आराम से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में लेके आना एंड देन इंडस्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, ये सारी ऑपरेशंस में देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेरी वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। देन लैंड, बिकॉज इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज लैंड, और वो लैंड कई बार क्या होता है कि कई इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन मिलती हैं, पास पास मिलती हैं, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे की सब्सिडरी हैं, तो वो पूरा यूनिट जो है ना वो काफी बड़ा हो जाता है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है, तो कभी भी कार जब मैन्युफैक्चर होती है तो एक ही यूनिट में सब सारी चीजें नहीं बनती हैं, एक में टायर्स बन रहे हैं या एक्सल्स बन रहे हैं, दूसरे में इंजन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तीसरे में बॉडी बन रही है, चौथे में कार सीट्स बन रही हैं, एंड देन वो फाइनली असेंबल होता है। तो ये देर आर डिफरेंट असेंबली लाइंस विच आर पुट टुगेदर, सो इस पूरे प्रोसेस में काफी बड़ा लैंड जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन अल्टीमेटली पावर, दैट इज अनइंटरप्टेड एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी टू रन दीज मशीन्स, टू एंश्योर दैट ऑल द इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन रियली वेरी स्मूदली विदाउट एनी इंटरप्शन। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। नाउ इंडस्ट्रियल सिस्टम अगर हम देखें ना, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में तीन चीजें आती हैं, एक है इनपुट, देन है प्रोसेसेस इन्वॉल्व, एंड फाइनली वी गेट दी आउटपुट। इनपुट क्या हो गया, इनपुट में हमारे पास रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, लेबर है, ये सारी चीजें इनपुट हैं। देन वी हैव द प्रोसेसेस, सो प्रोसेसेस में आ गया डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। फाइनली वी हैव द आउटपुट जो फिनिश गुड है। अब आर एन एंड सी इंडस्ट्रीज में इनपुट क्या होगा, लेबर है, आर एन ओर, मैंगनीज, कोल, डोलोमाइट और लाइमस्टोन, सो ये अलग अलग इनपुट्स हैं। प्रोसेसेस में क्या होगा, स्मेल्टिंग प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेसेस होते हैं, मिक्सिंग है ऑफ आयरन, मेल्टेड आयरन एंड मैंगनीज, सो दैट स्टील जो है उसको स्ट्रेंथ मिल पाए, एंड अल्टीमेटली आउटपुट क्या आया, स्टील आया। तो इन द सेम वे अगर आप एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हो, तो इनपुट में हमारे पास है कॉटन, लेबर, देन मशीन्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोसेसेस में आ गया डिफरेंट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड विद गिनिंग ऑफ कॉटन, देन स्पिनिंग ऑफ कॉटन, वीविंग, डाइंग, दैट इज कलर जो इम्पार्ट करना है, तो ये सारी चीजें जो हैं, एंड प्रिंटिंग, ये प्रोसेसेस हैं, एंड फाइनली आउटपुट क्या आया, फैब्रिक। फैब्रिक में आपका चाहे शर्ट है, चाहे कोई ड्रेस मटेरियल है, साड़ी है, तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच मेकअप द इंडस्ट्रियल सिस्टम। नाउ एज फार एज इंडस्ट्रियल रीजन्स आर कंसर्न, वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज जो हैं
उनका हैवी कंसंट्रेशन मिलता है स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. डेवलपिंग कंट्रीज में भी देर आर फ्यू एरियाज जहां पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है दैट हैज कम अप. नाउ एज फार एज इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर कंसर्न, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन मैंने आपको अभी बताया कि वो डेवलप्ड कंट्रीज में है. सो वी हैव दीज रीजन इन नॉर्थ अमेरिका स्पेशली कैनेडा एंड यूएसए. देन वी हैव वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, तो चाहे वो इटली है, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारे कंट्रीज जो हैं दीज आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज नेशन. देन वी हैव कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, देन ईस्टर्न एशिया जिसमें स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना, जापान, साउथ कोरिया एट्सेट्रा. एंड ये जितने भी एरियाज हैं ना, अगर आप इनको एनालाइज करो तो जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो यूजुअली पोर्ट के नज़दीक हैं. पोर्ट का फ़ायदा क्या होता है? पोर्ट का है कि वहाँ से इम्पोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट बिकॉज सी ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो मेजॉरिटी ऑफ दीज एरियाज आर लोकेटेड नियर द सी पोर्ट और दे आर लोकेटेड नियर द फ्यूल रीजन, फ्यूल सप्लायर रीजन, और आप कह सकते हो नियर द एरियाज जहाँ पे या तो कोल फील्ड्स हैं या पेट्रोलियम रिजर्व जो हैं वो मिलते हैं. सो हेयर यू कैन हैव अ ग्लांस ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडस्ट्रियल रीजन्स में अगर आप देखो तो दिस इज एंटायर एरिया जो कि नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है. दिस इज ग्रेट लेक्स रीजन, यहाँ पे अपलेशियन रीजन है, ये सेंट्रल एरिया. देन यू फाइंड क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील, इन कोलंबिया, देन ब्राज़ील का ये बाहिया कोस्ट भी है, फिर चिली एंड अर्जेंटीना. अफ्रीका में एज यू कैन सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड हैं अलॉन्ग द मेडिटेरेनियन कोस्ट. वेस्टर्न यूरोप इज हैविंग ह्यूज सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्री. देन इंडिया में अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है जो कि गंगा यमुना वैली है एंड साथ में गुजरात एंड मुंबई रीजन प्लस दिस चेन्नई रीजन. एंड देन यू हैव द कोस्टल रीजन ऑफ चाइना एंड जापान. अब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखो ना, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन आर हैविंग कोस्टल लोकेशन नियर द कोस्ट. वो मैंने आपको अभी फैक्टर बताया कि इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल एंड एक्सपोर्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज वेरी कन्वीनियंट वाया सी ट्रांसपोर्टेशन. इंडिया के अगर हम इंडस्ट्रियल रीजन देखें सो दे आर एट ए नंबर. वी हैव मुंबई पुणे क्लस्टर, देन वी हैव बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन इन कोलकाता दैट इज वेस्ट बंगाल, देन गुजरात में वी हैव अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट जो कि गेन कर रहा है मैक्सिमम फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जिसको हम मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं. तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है दैट हैज बिकम वेरी कन्वीनियंट. देन वी हैव विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट. अब इन सब में अगर आप फैसिलिटीज देखो, वन ऑफ द मेजर फैसिलिटी जो है दैट इज पोर्ट फैसिलिटी. इन सारे एरियाज में पोर्ट फैसिलिटी है. दो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इंटीरियर में है लेकिन ये मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया है तो इसलिए यहाँ पे जो मेन फैक्टर है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स. फिर आता है गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन. अगेन ये इंटीरियर लोकेशन में है, यहाँ पे मिनरल्स नहीं है, यहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है लेकिन दिस इज अ वेरी बिग कंजम्पशन सेंटर, ह्यूज मार्केट, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये सारा नॉर्थ इंडिया को इन्फ्लुएंस करता हुआ एरिया है. तो मेजरली यहाँ पे आपको जो इंडस्ट्रीज मिलेंगी वो है असेंबली बेस्ड इंडस्ट्रीज. मतलब यहाँ पे कोई हैवी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज ना सेटअप होके ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको असेंबल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है. एंड देन अल्टीमेटली वी हैव द कोलम थिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर. अगेन द बेनिफिट इज पोर्ट फैसिलिटी. देर आर नो डाउट अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, यू नो, जहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वहाँ पे क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन केस ऑफ अहमदाबाद
बड़ौदा रीजन और पुणे क्लस्टर रीजन, क्लाइमेट इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये है कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, और उसके अलावा लेबर, चीप लेबर, लेबर अवेलेबिलिटी, सो देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स, बट यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मेजर वाले हाईलाइट किए हैं. एज फार एज द मेजर इंडस्ट्रीज आर कंसर्न, इंडस्ट्रीज को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. जैसे मतलब जो हम इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे आर एन एंड स्टील इंडस्ट्री का, दूसरा लेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ये है मिनरल बेस्ड, ये है एग्रो बेस्ड, एंड थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि सर्विस सेक्टर का पार्ट है. सो एज फार एज आर एन एंड स्टील एंड कॉटन इंडस्ट्रीज आर कंसर्न, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दीज आर वेरी ओल्ड इंडस्ट्रीज, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, दिस इज द इमर्जिंग इंडस्ट्री, ये न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इंडस्ट्री है. नाउ एज फार एज आर एन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसर्न, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दिस इज द इंडस्ट्री, दिस इज रिलेटिवली वेरी ओल्ड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली जिस टाइम स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस टाइम आया था इन द 18th सेंचुरी, दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ यू नो डिस्कवरी ऑफ आयरन ओर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूटिलिटी ऑफ आयरन ओर, एंड उसके बेसिस पे प्रोडक्शन जो था वो स्टार्ट हुआ. एज फार एज द लोकेशन ऑफ मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड आर कंसर्न, आप देख सकते हो दिस इज द एंटायर यूरोपियन रीजन, लुक एट नॉर्थ अमेरिका, हेवी कॉन्सेंट्रेशन, एंड देन इंडिया में ये छोटा नागपुर रीजन है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन है, एंड देन जापान एंड चाइना. जापान जो है ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेड आयरन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जापान में मिनरल्स अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है. इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वहां पे वन ऑफ द मेजर फैक्टर रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. दैट इज व्हाई इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, वो उनकी नियरनेस है टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल. मेजॉरिटी ऑफ देम आर लोकेटेड इन द रॉ मटेरियल रिच एरियाज. सो इस केस में अगर हम मेन सेंटर्स देखें इंडिया में, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड इन भिलाई, इन दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रोड़केला, बोकारो, एंड दिस एंटायर रीजन इज द छोटा नागपुर प्लेटियो रीजन, जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, दिस दीज फोर स्टेट उसके बीच में आता है. इसके अलावा वी हैव फ्यू अदर आयरन एंड स्टील प्लांट्स लोकेटेड एट भद्रावती कर्नाटका में, विजयनगर ये भी कर्नाटका में है, देन विशाखापट्टनम, सेलम इन तमिलनाडु, और यहाँ पे जो रीजन है दैट इज प्रॉक्सिमिटी टू दी पोर्ट, तो वो इंडिया में इसका आता है. एज फार एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज कंसर्न, दैट इज द टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड एट जमशेदपुर. जमशेदपुर को पहले साक्षी कहते थे, 1907 में ये प्लांट लगाया गया. दिस वॉज द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ इंडिया, और ये पब्लिक सॉरी प्राइवेट सेक्टर में इसको सेटअप किया गया था. दिस प्लांट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड खरकाई. सो ये जमशेदपुर में ये लोकेटेड है. सो एज फार एज द मेन फैक्टर्स आर कंसर्न, जो आप कह सकते हो कि फैक्टर्स विच हैव प्रोमोटेड और विच हैव यू नो गिवन द सिग्निफिकेंस टू दिस पर्टिकुलर एरिया, तो वो क्या है, दैट नियरनेस टू दी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रेलवे लाइन, सो दैट कोल, अदर रॉ मटीरियल एंड फाइनली द फिनिश प्रोडक्ट कैन बी इजिली सेंड टू द मार्केट. सो चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस रेलवे लाइन, जो कि सिर्फ 32 किलोमीटर्स अवे एक कालीमती स्टेशन है, और वो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन के ऊपर लोकेटेड है. अनदर थिंग इज प्रॉक्सिमिटी टू दी कोल फील्ड्स, आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज, मैंगनीज बेल्ट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट बेल्ट, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो लेबर इज ऑल्सो अवेलेबल, राइट. एंड देन रिवर्स जो हैं, वहाँ से वाटर सप्लाई जो है ऑपरेशन के लिए, कूलिंग ऑफ दी ओर स्मेल्टिंग के बाद, जब मेटल डिराइव करते हैं उसको ठंडा करने के लिए काफ़ी पानी चाहिए होता है, तो ये रिवर्स जो हैं ये उस पानी की सप्लाई करते हैं. एंड फाइनली द गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव ऑल्सो बीन कंड्यूसिव, जिसके कारण ये प्लांट जो था वो सेटअप हुआ.
इसी का ही एक पैरेलल एग्जांपल अगर हम लें वर्ल्ड में, तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो है वो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में लाई करता है। अब ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है ऑफ यूएसए, लोकेटेड क्लोज टू द ग्रेट लेक्स रीजन। अब पिट्सबर्ग को अगर हम देखें तो इसके नजदीक है अपलेशियन माउंटेन्स अलोंग द एटलांटिक सी बोर्ड। अपलेशियन माउंटेन से कोल मिल रहा है, वहां से आयरन ओर डिराइव होता है, वहां पे काफी ज्यादा टेनेसी रिवर के ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से चीप इलेक्ट्रिसिटी आती है, और जो ग्रेट लेक्स हैं वो चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और पोर्ट्स तक इजीली जो फिनिश प्रोडक्ट है दैट कैन बी सेंट। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, दे हैव बीन बेनिफिशियल। इसके अलावा मोनो गहेला एंड एलेगेनी रिवर्स जो हैं, विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर टेनेसी, दे आर प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई फॉर दीज इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। सेकेंड जो है दैट इज योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैंने आपको बताया इट्स अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो इस केस में जो रॉ मटेरियल है दैट इज कॉटन। तो जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं उनकी प्रॉक्सिमिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। और ये जो है कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है, दो हमारे पास काफी सारे मैनमेड फाइबर्स भी हैं जैसे नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, ये आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। नेचुरल फाइबर्स में इट इज कॉटन, इट इज जूट एंड सिल्क ऑल्सो, उसको भी हम फाइबर में लेते हैं। देन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पहले होते थे हैंड लूम्स, हैंड लूम्स मतलब हैंड ऑपरेटेड लूम्स होते थे जिसकी हेल्प से स्पिनिंग गिनिंग, पहले गिनिंग होती है फिर स्पिनिंग की जाती है और फिर कपड़े को वीव किया जाता है, ये सारे ऑपरेशंस मैनुअली होते थे। बट आज की डेट में एवरी ऑपरेशन हैज बिकम हाईली मैकेनाइज्ड। अब हमारे पास पावर लूम्स हैं, सो यही ऑपरेशंस अब क्योंकि मशीन्स की हेल्प से हो रहे हैं, तो द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल हैज बिकम रियली वेरी फास्ट। आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए, दीज आर द डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। दो जो अर्लीस्ट प्रोड्यूसर था, जहां से स्टार्ट हुआ था, दैट वाज ब्रिटेन, जहां जहां पे सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप की गई थी। अब ये देखिए, ये इंडिया रीजन, देन जापान एंड चाइना, एंटायर यूरोपियन एरिया, देन यूएसए रीजन, और उसके अलावा ब्राजील एंड अर्जेंटीना। एक चीज हमने ऑलरेडी कंडीशंस में देखा है इन द प्रीवियस लेक्चर दैट कॉटन जो है वो ट्रॉपिकल प्लांट है, तो कॉटन को हॉट क्लाइमेट चाहिए, फ्रॉस्ट जो है इट्स अ किलर फॉर कॉटन क्रॉप, तो उस केस में वो कोल्ड क्लाइमेट में नहीं ग्रो हो सकता है। दैट इज व्हाई इंडस्ट्रीज ऑफ यूरोप आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्टेड कॉटन जो कि सर्दन लैटिट्यूड से आ रही है। जैसे कॉटन प्रोड्यूस हो रही है इन टर्की, इन ग्रीस एरिया, तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है टू यूरोप, और इंडिया से, पाकिस्तान से कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, और इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम इजिप्ट। यूएसए ग्रोस कॉटन इन द फ्लोरिडा रीजन, और वही यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। जापान भी कॉटन को इम्पोर्ट करता है क्योंकि क्लाइमेट ऑफ जापान इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इंडिया के केस में जो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड प्लांट था, पावर मॉडर्न इंडस्ट्री आप कह सकते हो, कॉटन मॉडर्न इंडस्ट्री, वो मुंबई में सेटअप की गई थी इन द ईयर 1854। वो अलग बात है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था एट फोर्ट ग्लॉस्टर इन कोलकाता इन द ईयर 1818, बट इट कुड नॉट सस्टेन, ये सर्वाइव नहीं कर पाई थी, उसको बंद कर दिया गया था। तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट तो फिर 1854 में सेटअप किया गया था। मुंबई रीजन को अगर हम देखें तो इट इज नॉट ओनली मुंबई, इट इज द एडजॉइनिंग गुजरात एरिया ऑल्सो। अब ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट में जो कॉटन को जिस टाइम हम स्पिन करते हैं, उसको धागे में, यार्न में कन्वर्ट करते हैं, तो धागा टूटता नहीं है ह्यूमिड क्लाइमेट में, लेकिन ड्राई क्लाइमेट में धागा बार बार टूटता है, तो फैब्रिक की वीविंग में हमेशा गांठ आ जाती है, तो नॉटेड होता है वो, दैट्स नॉट वेरी फाइन टेक्सचर। लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट में द एंटायर फैब्रिक इज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी फाइन। मोर ओवर बींग नियर टू द पोर्ट, यहाँ से हम
लॉन्ग स्टेपल कॉटन इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इजिप्ट, एंड फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना भी ईजी है. सो यहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल है, यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, देन ह्यूमिड क्लाइमेट है नियरनेस टू द कोस्टल एरिया, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो जो चीप लेबर है दैट इज अवेलेबल. तो इस केस में अगर हम इंडिया में मेजर कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज देखें तो वी गेट कोयम्बटूर तमिलनाडु, कानपुर इन यूपी, देन चेन्नई तमिलनाडु, अहमदाबाद इन गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, लुधियाना इन पंजाब, देन पुडुचेरी एंड पानीपत इन हरियाणा. सो दीज आर द मेजर कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द कंट्री. अहमदाबाद को अगर हम देखें, इट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया गिवन द नंबर ऑफ यू नो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कि इस एरिया में हैं, एंड द बेस्ट कंडीशंस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दैट इज वाई इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का टैग मिला हुआ है. मैनचेस्टर एक्चुअली इज द प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन विच इज वर्ल्ड फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो उसी मैनचेस्टर का रेफरेंस लेके अहमदाबाद को बोल दिया गया है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. सो दो वो अलग बात है कि अहमदाबाद में काफ़ी क्राइसिस भी हुए हैं क्योंकि पुरानी इंडस्ट्रीज थी विच वर यू नो निग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ ओल्ड मशीनरी, तो प्रोडक्टिविटी कम थी और क्योंकि मैकेनाइजेशन नहीं थी तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, तो काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद भी हो गई हैं. बट स्टिल अहमदाबाद इन टूडेज डेट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस एज फार एज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसर्न. दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग अप ऑफ अहमदाबाद एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. नियरनेस टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया, क्योंकि ये ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन में लाइ करता है. देन क्लाइमेट इज आइडियल, वही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, फ्लैट टेरेन है एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है नॉट ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन बट ऑल्सो फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है क्योंकि ये वाला जो एरिया है काफी प्रोग्रेसिव एरिया है कंट्री का, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है एंड डेंसली पॉपुलेटेड. वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, रोड, रेल ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट फैसिलिटीज ऑल मेक श्योर कि बहुत ही एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. एंड फाइनली देयर इज नियरनेस टू द पोर्ट थ्रू विच द कॉटन इज इम्पोर्टेड, लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज इम्पोर्टेड एंड द फिनिश प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेड. सिमिलरली देयर इज अनदर केस अगर हम लें डेवलप्ड कंट्री का, तो दिस इज जापान ओसाका, जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है. अब यहाँ पे क्या फैक्टर्स हैं, यहाँ पे योडो रिवर है जो कि प्रोवाइड कर रहा है वाटर एंड ऑल्सो चीप वाटर ट्रांसपोर्टेशन. देन आइडियल क्लाइमेट, क्योंकि कोस्टल लोकेशन है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, दैट इज अ गुड फैक्टर. इट्स अ फ्लैट एरिया, इजी एक्सेसिबिलिटी, सेम फैक्टर भी आ रहे हैं. स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल लोकली. वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बिकॉज जापान इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड देन पोर्ट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर. जापान मैंने आपको ऑलरेडी बताया इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्टेड कॉटन, वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती है. तो पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है दैट बिकम्स रियली वेरी इजी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कैपिटल इंडस्ट्रीज. नाउ टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज. चेंज ऑफ रॉ मटीरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. देन मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन ओशनिक प्रोडक्ट्स. बास्केट वीविंग फॉल्स अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और उसमें भी वो कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट है. इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री विद इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, तो आउट ऑफ दिस इट इज द टिस्को प्लांट, टाटा आर एन एन स्टील कंपनी ऑफ जमशेदपुर, दैट इज प्राइवेट सेक्टर. विच फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में लैंड इज इम्पॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर लोकेटेड नियर सी पोर्ट्स. सो सी पोर्ट्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट अमंग्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आता है. एंड अल्टीमेटली लेट्स नाउ मैच द फॉलोइंग. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री दैट वी हैव सीन, टाटा आर एन एन स्टील. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है दिस इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड.
जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है दैट इज मारुति उद्योग. देन वी हैव कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जिसमें एग्जांपल है ऑफ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड अल्टीमेटली वी हैव कॉटेज इंडस्ट्री विच इज बास्केट वीविंग और मैटस्टिक मेकिंग और पॉटरी एटसेट्रा. राइट, सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. अंटिल देन कीप सेफ, कीप लर्निंग.